हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं डिपेंडेंट और कंट्रोल्ड एनर्जी सोर्सेस में। अब इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात करी थी इंडिपेंडेंट सोर्सेस के बारे में, है ना। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डिपेंडेंट सोर्सेस के बारे में। अगर आपको इंडिपेंडेंट सोर्सेस का वीडियो देखना हो तो आप वो डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक से देख सकते हो, ठीक है। तो अब जैसे कि हमने सोर्सेस की बात करी थी, सोर्सेस दो तरीके के होते हैं, वोल्टेज सोर्स और करेंट सोर्स। अब हम लोग जब डिपेंडेंट सोर्स में आते हैं तो ये चार तरीके का होता है। अब इनके टाइप्स को आप याद करने के लिए सबसे पहले दो कॉलम बनाइए और हम नाम लिखो कंट्रोल्ड बाय और कंट्रोल्ड ऑफ। अब अपने जो एनर्जी सोर्स थे उनको याद करो, वोल्टेज सोर्स और करेंट सोर्स। अब आपने जो दो कॉलम बनाए हैं इनमें इन दोनों को लिखो और आपस में इनके जितने हो सके कॉम्बिनेशन बनाओ। तो अगर आपको परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन पता है तो आप समझ गए होंगे कि इनके चार कॉम्बिनेशंस बनेंगे, जो कि है वोल्टेज और दूसरे में फिर से वोल्टेज, फिर वोल्टेज और दूसरे में करंट, फिर करंट और दूसरे में वोल्टेज, फिर करंट और दूसरे में करंट। तो अब अगर जो हमने ऊपर लिखा था कंट्रोल बाय एंड कंट्रोल्ड ऑफ, उससे आप अगर मैच करोगे इनको तो इनके नाम कुछ बनते हैं वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स, करंट कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स और करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स। ये हो गए डिपेंडेंट एनर्जी सोर्सेज के टाइप्स। अब हम इन चारों के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं। अब हमें जैसा पता है कि डिपेंडेंट एनर्जी सोर्सेज फोर टर्मिनल डिवाइस होते हैं, यानी कि इसमें चार टर्मिनल्स होंगे। तो हम इसका डायग्राम बनाते हैं जो कि कुछ ऐसा बनेगा। अब आप देख सकते हो इसमें चार टर्मिनल्स हैं, दो टर्मिनल्स लेफ्ट साइड पे और दो टर्मिनल्स राइट साइड पे। अब लेफ्ट साइड पे जो हमने बनाया था वोल्टेज कंट्रोल्ड और राइट साइड में वोल्टेज सोर्स, वैसे ही बाकियों में भी बनेगा जो कि हम बाद में देखेंगे। अब हम ये डायग्राम पर आते हैं तो जो लेफ्ट साइड में है वो है वी ए बी और राइट साइड में जो है वो है वी सी डी। वी ए बी जो है वो डिपेंडेंट है वी सी डी पे, जैसे कि आप नाम से भी समझ पा रहे हो वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स, यानी कि वी ए बी डिपेंडेंट वाला पार्ट है और वी सी डी इंडिपेंडेंट। अब जैसा कि हमने ये डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वाला पार्ट बताया, इसको हम मैथमेटिकल फॉर्म में लिखें तो आएगा वी ए बी इज प्रपोर्शनल टू वी सी डी, यानी कि यहाँ से भी हमें यही पता चल रहा है कि वी ए बी डिपेंडेंट है वी सी डी पर। अब इसके प्रपोर्शनैलिटी को हटाएंगे तो एक कॉन्स्टेंट आ जाएगा के, तो यानी कि ये हो जाएगा वी ए बी इक्वल टू के वी सी डी। अब हम आते हैं सेकेंड पार्ट पे जो कि था वोल्टेज कंट्रोल्ड करेंट सोर्स, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं वी सी सी एस। यहाँ पर जो सेकंड वाला सी है वो हमेशा कंट्रोल के लिए आता है और लास्ट वाला एस हमेशा सोर्स के लिए, तो यानी कि इससे आपको इन सभी के नाम लिखने में आसानी होगी। अब हम इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। इसका डायग्राम जैसे कि आप देख पा रहे हो ये भी चार टर्मिनल डिवाइस होगा और इसके राइट और लेफ्ट में कंट्रोल्ड और कंट्रोल्ड ऑफ वाला पार्ट आएगा। अब अगर आप इसके नाम से ही इसका डायग्राम बनाओ तो ज़्यादा आसानी होगी और मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि यही इसको बनाने का सबसे सही और आसान तरीका है। अब हम लोग इसके नाम पर आते हैं और डायग्राम को भी साथ में कंपेयर करते हैं। तो हम इसके नाम पर आते हैं सबसे पहले वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स, यानी कि वोल्टेज जो होगा वो कंट्रोल करेगा और करेंट जो होगा वो कंट्रोल होगा, यानी कि जो लेफ्ट साइड में पार्ट आया था वो था कंट्रोल होने वाला पार्ट और राइट साइड में जो है वो था कंट्रोलर वाला पार्ट, यानी कि जो राइट साइड में होगा वो होगा कंट्रोलर यानी कि वोल्टेज और लेफ्ट साइड में जो है वो होगा कंट्रोल्ड यानी कि करंट, ठीक है। आप इसको एक बार ध्यान से देखो और खुद से बनाओ। अब जब हम इसके मैथमेटिकल रिलेशन पर आते हैं तो आप इसको कंपेयर करके देखिए, यानी कि करंट जो था वो था डिपेंडेंट वाला पार्ट और वोल्टेज जो था वो था इंडिपेंडेंट वाला पार्ट। तो अब हम इसके रिलेशन को लिखें तो आएगा आई ए बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी सी डी। आप जैसा फिगर में देख पा रहे हो कि ए बी और सी डी उसके टर्मिनल्स का नाम है, यानी कि आई करंट का और वी वोल्टेज का, तो वैसे ही इसके रिलेशन आया आई ए बी इज प्रोपोर्शनल टू वी सी डी, यानी कि आई ए बी इज डिपेंडेंट टू वी सी डी। अब इसके प्रोपोर्शनैलिटी को हटाएं तो इसका प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट लगाना पड़ेगा जो कि हम यहाँ पर लगाते हैं ईटा, तो इसका रिलेशन बन जाएगा आई ए बी इक्वल टू ईटा वी सी डी। यहाँ पर ईटा जो है उसको हम कहते हैं ट्रांसकंडक्टेंस और उसका यूनिट होता है मोह। यहाँ मैं आप लोगों को बता दूँ कि मोह यूनिट होता है कंडक्टेंस का।
और ये होता है इक्वल टू वन अपॉन आर, आर यानी कि रेजिस्टेंस, इक्वल टू वन अपॉन रेजिस्टेंस होता है ये, ठीक है। अब हम तीसरे वाले पार्ट में आते हैं, करंट कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स। इसका भी डायग्राम हम बनाते हैं जो कि वैसे ही बनेगा, और इसका अगर आप शॉर्ट फॉर्म लिखोगे तो क्या होगा आप खुद बताओ, करंट कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स यानी कि CCVS। ओके, तो अब हम इसके डायग्राम पर आते हैं। ये भी फोर टर्मिनल डिवाइस होगा, इसके टर्मिनल्स को नाम दे देते हैं ए बी सी और डी। अब यानी कि यहाँ पर कंट्रोल क्या हो रहा है और कंट्रोल कौन कर रहा है, इस पर आप लोग एक बार ध्यान दो। करंट कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स नाम से अब आप एक बार ध्यान दो और फिर बताओ। तो यहाँ पर जो था वो था करंट कंट्रोल करेगा और वोल्टेज सोर्स कंट्रोल होगा। तो इसका हम डायग्राम बनाएंगे, तो राइट साइड जो आएगा वो आएगा कंट्रोल्ड वाला पार्ट, तो यानी कि यहाँ पर राइट साइड पर करंट आएगा और लेफ्ट साइड पर जो कंट्रोल होगा वो आएगा, तो यहाँ पर लेफ्ट साइड पर वोल्टेज सोर्स आ जाएगा, ठीक है। अब इसका हम मैथमेटिकल फॉर्म लिखेंगे तो होगा वोल्टेज जो था वो डिपेंडेंट है और करंट जो था वो इंडिपेंडेंट है, यानी कि इसका हम फॉर्म लिख सकते हैं वी ए बी प्रोपोर्शनल टू आई सी डी, ठीक है। अब इसके प्रोपोर्शनैलिटी अगर हम हटाएं तो एक कांस्टेंट आ जाएगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, वीडियो को पॉज करके ये मैथमेटिकल रिलेशन को ध्यान से देखो और मेरे को बताओ क्या ये रिलेशन आपको कुछ जाना पहचाना लग रहा है। बिल्कुल, एक बार ध्यान से देखो, V प्रोपोर्शनल टू I, कुछ ये जाना पहचाना है, बिल्कुल सही, ओम्स लॉ, वोल्टेज इज डिपेंडेंट ऑन करंट। तो अब हम अगर इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा और नो डाउट ये कांस्टेंट की यूनिट होगी रेजिस्टेंस यानी कि ओम, ठीक है। तो यानी कि ये इसका कांस्टेंट जो आएगा वो होगा R, V A B इज इक्वल टू R I C D, ऑलराइट। अब हम ये लास्ट वाले पार्ट में आते हैं जो कि था करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स, इसका शॉर्ट फॉर्म उसी तरीके से आ जाएगा CCCS। करंट यहाँ पर डिपेंडेंट होगा और करंट पर ही डिपेंड करेगा, ठीक है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चार टर्मिनल्स का एक डिवाइस बनाना है, ए बी सी डी नाम देना है और दोनों साइड करंट ही आएगा, ऑलराइट। तो यहाँ पर आपको बनाने में भी दिक्कत नहीं होगी, आई ए बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई सी डी और आई ए बी इज इक्वल टू बीटा सी डी, और इज इक्वल टू के दोनों साइड आई और आई है तो जो बीटा होगा वो डायमेंशन लेस क्वान्टिटी होगी, नो डाउट, ठीक है। अब यहाँ पर एक नोट करने वाली बात ये है कि सभी सेमीकंडक्टर डिवाइस जो होते हैं जैसे कि ट्रांजिस्टर्स, ऑपरेशनल एम्पलीफायर और वैक्यूम ट्यूब, इन सभी को एक्टिव एलिमेंट्स भी कहा जाता है। अब यहाँ पर हमने एक्टिव एलिमेंट्स वाला पार्ट पूरी तरीके से कम्प्लीट कर लिया है। अब अगले वीडियो में पैसिव एलिमेंट्स वाला पार्ट करूँगा, क्योंकि पैसिव एलिमेंट्स वाला पार्ट थोड़ा सा लंबा होता है, क्योंकि इसमें तीन पार्ट आते हैं, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस, और इन सभी का कॉम्बिनेशन, तो ये वीडियो भी थोड़ा सा लंबा हो जाएगा अगर मैं इसी में कवर करने जाऊँगा तो, इसलिए इसको अपन अगले पार्ट में कवर करेंगे, ऑलराइट। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों को भी रेफर करो यार, उनका भी फ़ायदा करो, है ना, ऑलराइट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।